रस्में आपको हमारे ईआरएस में सिन्हा के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ। ओके, इट इज़ वेरी बेसिक सेशन ऑफ द ग्राफ एंड बहुत कम समय में आपको कुछ अच्छा ही सिखा के हम जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये ग्राफ क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। ग्राफ का नाम आपने कई बार सुना है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका एक ट्री आता है, दूसरा ग्राफ आता है, तो यही हमने लिखा है। और ग्राफ कैसे बनता है तो आप कहोगे जस्ट लाइक ट्री। ट्री में भी क्या होता है, नोड होते हैं और एजेज होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ? ग्राफ में साइकिल होता है, ट्री में बिल्कुल नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, एंड दिस एजेज, दिस वर्टेक्स और दिस इज आल्सो नोन एज नोड, यू नो वेरी वेल। एंड ये एजेज क्या हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्टेड एज वाले ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, और अनडायरेक्टेड वाले को क्या बोलेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, ये कैसा ग्राफ है तो आपको मैम ये तो अनडायरेक्टेड है। अच्छा, इसमें मैंने अगर डायरेक्शन लगा दिया तो नाउ इट बिकम्स डायरेक्टेड ग्राफ, है ना। इसका मतलब वन से थ्री पर ही आप जा सकते हैं, थ्री से वन पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब बात आप डायरेक्टेड की करते हैं, अनडायरेक्टेड की, तो ना यू कैन गो फ्रॉम वन टू थ्री एंड फ्रॉम थ्री टू वन एज वेल। ओके फाइन, तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ और ये हो गया आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो दिस इज योर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब सवाल उठता है कि ये कंप्यूटर में कैसे बना हो गया? पेपर पे तो आपने कर दिया, कंप्यूटर में ऐसा कुछ नोड और एजेस तो बना सकते नहीं। तो आपको एवरीथिंग इन कंप्यूटर इज इन मेमोरी। तो मेमोरी में इस कंप्यूटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो देखो, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है। अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, इंटरव्यू में, वाइवा में, एवरीवेयर, सो यू शुड नो इट। तो देखो, ये नेटवर्क क्रिएट करता है ना। तो जहां जहां भी आपका नेटवर्क है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे टेलीफोन नेटवर्क, जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क, कहीं भी जहां नेटवर्क है, तो कहोगे आप मैम कंप्यूटर नेटवर्क में इसका क्या रोल है? तो भाई जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे नोड हैं, और जो साहब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है वो एजेज हैं। टेलीफोन नेटवर्क में क्या होगा, सारे टेलीफोन नोड्स हो गए और सब एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं वो एजेज हो गए। उसी तरीके से फेसबुक में क्या होगा, फेसबुक में आप जितने यूजर्स हो, जितने अकाउंट हैं, सारे के सारे नोड हो गए और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो एज हो गए। नाउ इट इज क्लियर नाउ? तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अब फटाफट ये कंप्यूटर में मेमोरी में इसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? वैसे तो कई तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, वो आपका मैट्रिसेस है। इसका नाम एडजेसेंसी मैट्रिक्स है और दूसरे का नाम एडजेसेंसी लिस्ट है। इट इज वेरी क्लियर। अच्छा देखिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से क्या मतलब है आपका, दिस इज टू डायमेंशनल एरे। ओके, टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है, आपको मैम रो होता है और कॉलम होते हैं। कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। कितने वर्टिसेस हैं आपके ग्राफ में, आपको हो गए पांच। तो कितने रो मैंने बना दिए, पांच। कितने कॉलम मैंने बना दिए, पांच, फाइव। क्लियर? अब देखो, जिस जिस नोड के बीच आपका क्या होगा, एजेज होगा, उसको वन से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके बीच एज नहीं होगा उसको आप जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज वेरी क्लियर। अब देखिए, वन से वन के बीच कोई नोड है? नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सेल्फ लूप। ओके, बट वन से आपका थ्री और वन से आपका टू है, तो वन से थ्री और टू पर आपने वन किया, बाकी रिमेनिंग को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। उसी तरीके से देखो, टू किससे कनेक्टेड है, वन और फोर से, तो आप क्या करोगे, टू वन और फोर पर वन हो गया, बाकी सब क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर कहो गया मैम थ्री किससे कनेक्टेड है, थ्री देखो वन फोर फाइव से, तो वन फोर फाइव को वन कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया, जीरो। उसी तरीके से फोर किससे कनेक्टेड है, टू थ्री फाइव, तो देखो टू थ्री फाइव वन, बाकी सब जीरो। सिमिलरली फाइव किससे कनेक्टेड है, थ्री और फोर से, तो हमने थ्री फोर को वन किया, बाकी सबको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आप कहोगे मैम इसको भी बस इतना ही सिंपल है, हम लोग एक टू डायमेंशनल एरे बनाएंगे, इसमें जीरो वन फिल कर देंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। यस, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ओके, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरे तरीके से भी ग्राफ को बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, लिस्ट। और इसमें और क्या सब जोड़ दिया गया, एडजेसेंसी लिस्ट। मतलब क्या, जो लिस्ट एडजेसेंट नोड को कंटेन करेगा। इट इज सिंपल ना। तो देखो इसमें एडजेसेंट लिस्ट हमने बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक आपको वन डायमेंशनल एरे होगा जो सारे एडजेसेंसी लिस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एडजेसेंट एरे में, ये वन डायमेंशनल एरे में कितने सेल होंगे, तो इस वन डायमेंशनल एरे में उतने ही सेल होंगे जितने की एरे में नोड है। अब आप देखो कि इसमें एरे में कितने नोड, ग्राफ में कितने नोड है, फाइव हैं, तो इसमें भी कितने नोड होंगे, फाइव होंगे। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। अब देखो वन नोड से कौन कौन नोड एडजेसेंट है, आपको हो गया टू थ्री, तो हमने जो लिस्ट बनाया उसमें कितना नोड डाल दिया, टू थ्री, नेक्स्ट नल हो गया आपका। सिमिलरली नोड टू में देखो आप कितना नोड आपका एडजेसेंट है, वन फोर ओनली, तो आपने इस लिस्ट में क्या कर दिया, वन फोर कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से थ्री से एडजेसेंट नोड कौन कौन है, तो आपको हो गए वन फोर फाइव, तो थ्री में देखो वन फोर फाइव,
क्लियर ना। उसी तरीके से फोर का एडिशन कौन कौन है, 2, 3, 5, मतलब एडिशन कौन है जो उससे जस्ट कनेक्टेड है डायरेक्टली, 2, 3, 5, तो देखो 2, 3, 5। उसी तरीके से 5 में किस कौन कौन नोड कनेक्टेड है, 3, 4, तो देखो यहाँ 3, 4, बाकी सब क्या हो गया, नल हो गया। तो नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसी तरीके से आप ग्राफ को कंप्यूटर के मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रैवर्सल बताऊंगी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगले वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे और इसको भी पूरा पूरा इंजॉय कीजिए। और अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।